Dear students, today we will start the applications of Biot-Savart's law. Applications हमारे पास दो applications है जो हमें करनी है Biot-Savart law use करके. Biot-Savart law की पहली application है derive an expression for magnetic field at the center of the circular coil carrying current. Biot-Savart law use करना है और एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड. याद रखिए, इधर देख लीजिए, मान लीजिए ये है एक सर्कुलर कॉइल, ये सर्कुलर कॉइल है. इस सर्कुलर कॉइल में करंट चल रही है आई, यहां से करंट आ रही है, यहां से वापस आ रही है करंट. इस सर्कुलर कॉइल का सेंटर है पी और रेडियस है आर. शाबाश. इसमें आप सबको पता है इसमें करंट चल रही है आई. इस करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड होता है. ये मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा पी तक, क्योंकि मैंने बताया करंट के साथ एसोसिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कहां तक पहुंचेगा? पॉइंट पी तक. आपको बताना है पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है. ये है क्वेश्चन. जैसे ये मैंने सर्कुलर कॉइल बनाई, ये ऐसे सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल में करंट चल रही है, यहां पर सेंटर पी है, मैग्नेटिक करंट चलने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. पॉइंट पी पर बता दीजिए कितना मैग्नेटिक फील्ड है. ये है क्वेश्चन. वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट. इस सर्कुलर कॉइल में करंट चल रही है. शाबाश. बायोट-सावर्ट लगाने के लिए करंट एलिमेंट की जरूरत पड़ती है. मैंने बताया हुआ है जब करंट को मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉल एलिमेंट से, डी एल वैक्टर से, तो करंट एलिमेंट बनता है. इधर देख लीजिए, करंट तो चल रही है, हमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ डी एल रखेंगे, बन गया करंट एलिमेंट. और एक बात याद रखें, अगर इस सर्कल की छोटी सी आर्क लेंगे हम, तो यहां से सेंटर से हम डालेंगे परपेंडिकुलर, ये रेडियस वेक्टर आएगा सेंटर से पी से. स्मॉल आर्क को आप ट्रीट कर सकते हैं एज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन पर जब रेडियस पड़ेगा तो एंगल बनेगा 90 डिग्री. याद रखिए, छोटी आर्क पर जब रेडियस पड़ता है तो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इसका मतलब ये वाला एंगल इस वक्त थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है. अब देख लीजिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर. बिल्कुल सिंपल, आप लोग देख लीजिए. अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये बायोट-सावर्ट लॉ है. अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट ओ. इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये है. हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. शाबाश. डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 इज 1 अपॉन आर स्क्वायर. ये आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट. इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना ये आ गया. मगर पूरी सर्कुलर कॉइल की वजह से, ड्यू टू द होल सर्कुलर कॉइल, इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू होल सर्कुलर कॉइल,
पूरी सर्कुलर कॉयल की वजह से, अभी तक हमने एक एलिमेंट की वजह से, अब पूरी सर्कुलर कॉयल की वजह से क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, शाबाश, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइडों को। इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। डीबी की इंटीग्रेशन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, सारा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, शाबाश, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, डी एल की इंटीग्रेशन एल होती है, शाबाश। तो वायर एल क्या है, लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल, एल क्या है, शाबाश, लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल, लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल कितनी होती है, सर्कुलर कॉइल की लेंथ कितनी होती है, सर्कमफ्रेंस के बराबर, सर्कमफ्रेंस के बराबर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर कॉइल वो कितना होता है, 2 पाई आर, लेंथ कितना आ गया, 2 पाई आर, शाबाश। अब अगर लेंथ 2 पाई आर है, इसका वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, शाबाश, बी क्या आएगा, बी विल बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर, इस एल के बजाय क्या लगा दिया, 2 पाई आर, पाई और पाई कैंसल, 2 2s are 4, आर एक कैंसल, शाबाश। बी क्या आएगा, बी इज इक्वल टू μ0 upon μ0 i upon 2 r, सिंपल क्वेश्चन है और पेपर में आता है, लास्ट ईयर भी पेपर में आया था, जेके बोर्ड में उससे पहले भी पेपर में आया था। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। लेकिन सिंपल है, अगर इस सर्कुलर कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स है, 1 2 3 एन नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, देन मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, एन म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, सिंपल क्वेश्चन। पहले बायोट सर्वाट ला लगा दीजिए, थीटा 90 है, लगा दीजिए, डीएल इंटीग्रेशन कर दीजिए, एल की इंटीग्रेशन 2 पाई आर है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, आप लोगों को एक्सप्रेशन आएगा, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स देन बी इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट सर्वाट ला। थैंक यू।